कासगंज पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक सिपाही के हाथ से लूटी गई इंसास राइफल पुलिस ने बरामद करते हुए एक बदमाश सहित उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंसास राइफल लूटने की यह वारदात 19 अगस्त को हुई थी। तब से पुलिस के माथे पर बल था और लूटी गई राइफल की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसमें आज कासगंज पुलिस को कामयाबी मिली है। आज जब पुलिस कोतवाली सोरों के गोला कुमा पर चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी पवन नाम के बदमाश ने पुलिस को सामने देखकर उन पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही की तो पवन के पैर में गोली लगी और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके पास से पुलिस ने इंसास राइफल, 20 कारतूस और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। बदमाश पवन से पूछताछ के आधार पर उसकी मदद करने वाले उसके पिता श्यामवीर और एक अन्य बदमाश की बहन रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 18 और 19 की मॉर्निंग में एक अमेजोन के गोदाम में चोरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमारे दो कांस्टेबल मौके पर पहुँच के वो घटना को रोकने में सफलता उनको प्राप्त न हुई। उसी न समय हमारे एक न कांस्टेबल न सिपाही की राइफल, जो इंसास राइफल है, उस अभियुक्तों द्वारा छीन के और उसके साथ मारपिटाई करके उस वो राइफल जो है वो अपने न साथ अपनी गाड़ी में डालकर लेके गए। मेरे द्वारा 5 टीमों का इसमें गठन न किया गया। आज एक सूचना मिली कि वो जो राइफल है, एक व्यक्ति जो उसमें मेन जो अभियुक्त है उसके पास है। हम लोगों ने उसकी ये जो सूचना है उसके ऊपर विश्वास करते हुए लगातार चेकिंग का अभियान जो है पूरे जनपद स्तर पे इसमें कराया था। इसी बीच एक मुलजिम को हम लोगों ने बाइक पे आते हुए देखा, उसको रोकने की जो है पुलिस ने कोशिश की, उसको वार्निंग भी दी गई, उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग खोल दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके टांग पे गोली लगी है। तत्काल उसको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। मौके से एक बैग बरामद हुई है जिसमें इंसास की वो राइफल मौजूद है। कुछ लोगों का इसने नाम लिया है जो इस घटना में उसके साथ शामिल थे, और अन्य 120B के भी उसमें कुछ मुलजिम हैं। इसका इसने अपना नाम पवन बताया है। इसके कुछ अन्य साथी हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अभी त्वरित जो है वो टीमों को रवाना कर दिया है।